शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इतना घटिया इंसान है ये, इसे तो हम नहीं बंटी। अगर हमें उसे हराना है ना, तो उसका कच्चा चिट्ठा निकालना पड़ेगा। उसने परसों कुल देवी के सामने हमसे दोबारा शादी करने का दावा किया है। इतने भरोसे से वो ये सब कह रहा है बंटी, किस बात का उसको इतना यकीन है? कुछ तो जरूर है बंटी। यह बात केवल हमारे पढ़ाई की नहीं रही, अब हमारी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ठीक है फिर हम वो दवा ले लेते हैं। अगर बगैर डॉक्टर के पर्चे हम वो दवाई लेंगे कैसे श्रावणी? एक तरकीब है हमारे पास। शक्ति तो है, बहुत काली शक्ति है, जिसने तो बच्ची को छुआ है। हम पता तो लगा के रहेंगे। नाम पंडित जी। प्रणाम। तुम? हमने सोचा जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें ढूंढने में, तो हम ही गुत्थी सुलझा देते हैं। आपकी उम्र देखिए, कहाँ दया आ गई हमें आप पर। क्या हुआ? आप सोच रहे हैं कि हम आपको काहे बता रहे हैं? हम फंस जाएंगे। चंद्रा ऐसा काम ही नहीं करती जहां वो फंस जाए। आराम से मर जाइए। तू सच कुछ तू मानी पाएगी? मरा नहीं है, काम खत्म करो। चंद्रा का कहर और सांप के जहर से कोई बच जाए, ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी नहीं। शिवांश ने हमें पागल साबित करने के लिए जो रिपोर्ट बनवाई थी, एक बार हाथ लग जाए तो काम बन जाए। कहाँ रखी होगी? ये रही। क्या चुरा रही थी आप? शिवांश, नीचे रखो। हम बस क्या? आपको हम बोले थे कि हमें उकसाना मत, बोले थे ना? अच्छा लगा ये जान के कि हम ना सही, लेकिन आपको अपनी जान तो प्यारी है, लेकिन बंदूक हर बार खाली नहीं होगी।
ये लीजिए। क्या है ये? देखिए तो सही, शादी की साड़ी है। कल कुल देवी की पूजा के लिए इसे पहन के तैयार रहिएगा, कल हमारी शादी है दोबारा। भूलिएगा मत। ये लाल साड़ी तो हम जरूर पहनेंगे, लेकिन तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए नहीं। जब तुम्हारा सच सबके सामने बाहर आ जाएगा ना, तो देवी माई की आरती करने के लिए। और सच सामने लाने का रास्ता ढूंढ लिया है हमने। दीदी के साथ तो ये एकदम बीच खोपड़ी की तरह लगता है। स्वीटी, स्वीटी। हाँ पापा। ये जरा लगाओ अपने लैपटॉप में। पापा क्या है इसमें? शिवांश और श्रवणी की शादी नहीं हुई है, उसका सबूत है ये। अरे वाह, बिन मांगे ही मोती मिले। अच्छा ही है, अगर ये साबित हो गया कि दीदी और शिवांश की शादी हुई नहीं, तो हमारा तो चांस है ही। ज्यादा दांत ना चियारो, काम करो। हाँ। दिखाओ, इधर दिखाओ। शिवांश और ये पंडित के साथ अकेला? देखिए शिवांश जा कहाँ रहा है। पापा, दीदी। ये होश में नहीं लग रही, देखो उसने पकड़ भी रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नशे में हो। ये पंडित हैरान है, ये फोन में क्या देख रहा है? पापा, पंडित जी ने तो मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। किसका फोन रहा होगा? ऐसा क्या देखा होगा पंडित जी ने फोन में? इस लफंगे को छोड़ेंगे नहीं हम। इसने हमारी बिटिया को नशा दे के शादी की है। पुलिस के हवाले करके ऐसा तुड़वाएंगे, ऐसा तुड़वाएंगे कि जिंदगी भर लंगड़ा चले गए। रुके पापा, पापा इस वीडियो में सिर्फ इतना पता चल रहा है कि दीदी जैसे नशे में है, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है इस शादी को झूठा साबित करने के लिए? नहीं ना, हमें कुछ ठोस सबूत ढूंढना पड़ेगा इस शादी को तोड़ने के लिए। हमारा मतलब शादी को गलत साबित करना है ना। कल तक का समय है हमारे पास, शिवांश को पलटवार करने का मौका नहीं देंगे। पूरी तैयारी के साथ वार करेंगे हम। ये वीडियो है हमारे पास, बस एक बार वो पंडित का मुंह खुल जाए और पता चल जाए कि उसके और शिवांश के बीच क्या बात हुई थी, और फेरों के वक्त श्रवणी की क्या हालत थी। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।